जो उत्तर प्रदेश के बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के इन सब क्षेत्रों में भी विकास की उन नए आयामों को स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसके साथ आने वाली है। और इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं किसान बाहुल्य इस क्षेत्र में, बागपत क्षेत्र में स्वयं पधारे हैं, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और चार वर्ष के सफलतम कार्यकाल के दौरान देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाएं, देश के बुनियादी ढांचागत विकास के साथ साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने जो नई ऊंचाइयां छुई हैं, इसके लिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए चार वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए हृदय से कोटि कोटि बधाई भी देता हूं। भाइयों बहनों, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 500 दिनों में पूरा करने के लिए, जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में 910 दिन लगने थे और मात्र 500 दिनों के अंदर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करके किसी भी कार्य को समयबद्ध ढंग से, कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए कैसे पूरा किया जाना चाहिए, माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जो एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है, मैं इसके लिए आदरणीय गडकरी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे देश के अंदर जिस द्रुत गति से राजमार्गों के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश को भी इसका भारी लाभ हुआ है। अनेक राजमार्गों के कार्यों में एक नई गति देखने को मिली है। हम सब जानते हैं कि विकास के लिए आधारभूत संरचना में राजमार्गों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे मार्ग हों और उन अच्छे मार्गों के निर्माण के लिए जन सहयोग की आवश्यकता, जन सहभागिता, और इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ तो हम लोगों ने यह भी देखा है कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप मुआवजा दे करके उनके विकास को एक नई गति देने का कार्य इस प्रकार के कार्यों के माध्यम से देखने को मिला है। यह सचमुच एक नया कार्य संस्कृति, एक नई कार्य प्रणाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, गडकरी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 135 किलोमीटर के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के माध्यम से जिस नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया है, वह अन्य सभी कार्यदायी संस्थाओं के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, देश को एक नई दिशा देने, भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के पहुंचाने का जो कार्य पिछले चार वर्षों के दौरान हुआ, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास के क्षेत्र में 8,85,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध कराने में सफल होता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत
एक वर्ष में 57 लाख से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाने, 40 लाख से अधिक गरीबों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने और शासन की उन योजनाओं में, चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से विकास की जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, उसी का परिणाम है कि जिन लोगों को देश के गरीबों, वंचितों, दलितों का हित अच्छा नहीं लगता, वे लोग कहीं ना कहीं अपनी हताशा और निराशा में नरकल प्रलाप करके देश के अंदर वातावरण खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यह भारत के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि और कर्म भूमि भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विगत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी जन्मभूमि में स्थित रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के 400 करोड़ रुपया देकर के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, और मैं आप सबको इस बात के लिए आज आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि अगले वर्ष रमाना चीनी मिल अपनी दुगुनी क्षमता के साथ यहां के किसानों के गन्ना की पेराई करने के साथ साथ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश का किसान विगत 12-15 वर्षों में पीड़ित था, प्रताड़ित था, उपेक्षित था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जब उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का अवसर जब हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने का कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रारंभ किया, और उसी का परिणाम था कि विगत वर्ष हम लोगों ने 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे किया, और इस वर्ष अब तक 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से कर चुके हैं, और 30 जून तक किसानों से गेहूं क्रय के केंद्र प्रदेश के अंदर 5,500 स्थानों पर चल करके किसानों को 1745 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने का कार्य वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। पिछले 6 वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी किसानों का करवा करके इस वर्ष भी 21,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक कराया है, और मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हर एक किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार करवाएगी। कोई भी किसान अपने गन्ना मूल्य के भुगतान से वंचित नहीं रह पाएगा। इस दृष्टि से आज एक बार पुनः मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि प्रदेश की सरकार आज किसानों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से ऊपर उठ करके गांवों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और अपनी इस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज एक बार पुनः जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद बागपत की इस किसान धरती पर प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर, इस ग्रीन एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में जिस तेजी के साथ अग्रसर हुआ है, उत्तर प्रदेश उनका अनुकरण करते हुए उनके निर्देशन में प्रदेश के अंदर की उन सभी बुराइयों को, जिन बुराइयों ने उत्तर प्रदेश को पिछले पायदान पर धकेला था, जाति के आधार पर समाज को बांटने, परिवार के आधार पर भ्रष्टाचार फैलाने और राजनीति के माध्यम से आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को, संगठित अपराधों को प्रश्रय देने की जो एक कुत्सित प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश के अंदर पनप चुकी थी, उन सभी से उभार कर उत्तर प्रदेश भी उनका अनुसरण करते हुए विकास की नई बुलंदियों को छूते हुए और
बुनियादी ढांचागत विकास के लिए जिस प्रकार का कार्य आज आपके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश भी इसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और विकास की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को प्राप्त हो सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार पुनः मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, सबका हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।